पूरे देश में प्याज बहुत महंगे हो रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठता था, आपका पहला प्रश्न यही होता था कि प्याज कब से बेचना चालू करोगे। अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक रिटेल में दिल्ली में 60 से 80 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, प्याज बिक रहे हैं। तो दिल्ली सरकार कल से प्याज बेचना चालू करेगी मार्केट में 23 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। एक बार में एक व्यक्ति को 5 किलो, एक परिवार के लिए 5 किलो प्याज दिए जाएंगे, 5 किलो से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए पूरे दिल्ली में 400 राशन की दुकानें चिन्हित की गई हैं। उन 400 राशन की दुकानों पे और 70 मोबाइल वैन्स के ज़रिए, एक एक विधानसभा में एक एक मोबाइल वैन जाएगी, तो 70 मोबाइल वैन्स के ज़रिए प्याज बेचे जाएंगे। 400 दुकानों का मतलब हो गया कि लगभग 5 से ज़्यादा राशन की दुकानें पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। इन 400 दुकानों की लिस्ट जो है वो कल अखबार के अंदर सारी पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस दुकान में प्याज बेचे जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हम हर रोज़, आने वाले 5 दिनों का भी हमने ऑर्डर जारी किया है, 1 लाख किलो प्याज डेली प्रोक्योर करेंगे केंद्र सरकार से, जो हम इन दुकानों के ज़रिए बेचेंगे। अभी एक दो दिन बाद नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, और हमें लगता है कि नवरात्रों में प्याज की कंजम्पशन काफ़ी गिर जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें इन 5 दिनों के उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर हम आगे ऑर्डर प्लेस करते जाएंगे डेली बेसिस पे। और जब तक प्याज का रेट स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक हम प्याज बेचते रहेंगे। समय समय पे इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दुकानों की संख्या या वैन्स की, मोबाइल वैन्स की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। इसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए अभी तो जो सीधे कल से जो शुरू कर रहे हैं 5 दिन के लिए, पहले 5 दिन ये जो केंद्र सरकार से आएगा सीधे, उसको हम सप्लाई कर देंगे, उस पर बहुत ज़्यादा हमारा नियंत्रण नहीं होगा। इसके साथ ही हमारे दिल्ली सरकार से हम 2 लोगों की टीम भेज रहे हैं नासिक, तो जहाँ से केंद्र सरकार के ट्रक लोड होके आएंगे दिल्ली के लिए, वहीं पे हम, हमारे वो 2 अधिकारी जो हैं वो उसकी क्वालिटी की चेकिंग करके ही लोड करवाएंगे, ताकि क्वालिटी ख़राब ना हो। इसमें हर FPS को 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी, क्योंकि उसका अपना वेस्टेज भी होगा और उसकी अपनी प्रॉफिट भी है, वो सब मिला के 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। तो जैसा मैंने बताया, आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 लाख किलो से ज़्यादा भी बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार से इस बारे में कोई अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपका प्याज का जायका भी बना रहे, आपकी जेब भी हल्की ना हो, और ये प्याज आपकी आंखों में आंसू ना लेके आए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हाँ, बताइए। सर, रेट को लेकर 5 किलो की आपने लिमिट रखी है, किस तरीके से, क्या राशन की दुकान पे राशन कार्ड या किसी तरीके से दिखाना नहीं, कोई नहीं, होगा? कोई भी जाए, और अगर कोई शख्स रोजाना वो 5 किलो क्या खरीद सकता है? वो बार बार लाइन में लगेंगे तो हम उम्मीद करते हैं, थोड़ी सी ईमानदारी लोगों से भी उम्मीद करते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा वोटर कार्ड दिखा के, आधार कार्ड दिखा के प्याज बिकेंगे तो ऐसा देश भी हम नहीं चाहते अभी फिलहाल। पंद्रह रुपए 60 पैसे, ये दोनों प्राइस केंद्र सरकार ने फिक्स करके दिए हैं हमें, कि केंद्र सरकार हमें 15 रुपए 60 पैसे पे देगी, और केंद्र सरकार का कहना है कि इसे हमें 23 रुपए 90 पैसे पे बेचना है। दोनों प्राइस उनके फिक्स किए हुए, दोनों दोनों केंद्र सरकार ने। वो इस 23 रुपए 90 पैसे में से 4 रुपए जाएंगे, हाँ, तो एक तरह से आपके 19 रुपये हो गए ना, हाँ 19 रुपये 90 पैसे हो गए, और बाकी ट्रांसपोर्ट वगैरह के।
अरे एक और, पिछली बार जब प्याज बेचा था दिल्ली सरकार ने, तो तमाम जो राशन की दुकानों के साथ साथ जो ट्रक्स थे दिल्ली सरकार ने खुद जाके इंस्पेक्ट करके लगाए थे, क्या ऐसा इस बार व्यवस्था? वो मोबाइल वैन है ना, ये वही तो है, 70 मोबाइल वैन है, एक विधानसभा में एक मोबाइल वैन, लेकिन आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल वैन की संख्या और काफी इंक्रीज कर दी। कालाबाजारी पे कार्रवाई चल रही है, कोई होर्डिंग अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की नज़र में भी कहीं अगर होर्डिंग नजर आए तो हमें जरूर बताइएगा, तुरंत हम वहाँ पहुँच के उसको ठीक करेंगे। बाजार में महंगा क्यों है? इसीलिए तो सरकार, हमें उम्मीद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जब मार्केट में प्याज उतरेगा कल से, तो रेट में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि फिर उनको होर्डिंग, अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों ने होर्डिंग कर भी रखी है तो उनको कोई फायदा नहीं है। जो लोग हमारी FPS वाली अगर मतलब हमसे लेके ना, वो तो होर्डिंग ही हो गई एक तरह से। अगर किसी कोई होर्डिंग कर रहा है तो होर्डिंग इलीगल है। आज भी अगर हमें पता चलेगा कि कोई होर्डिंग कर रहा है और मार्केट में प्याज को नहीं आने दे रहा आर्टिफिशियली वो लेके, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कानून के तहत। थैंक यू।